अभी भी नहीं हो रहा। नो सर, अब तो आपकी वो भी नहीं आ रही, बीपी भी नहीं आ रही। कैन यू सी एनीथिंग नाउ? नो सर, हाँ नो सर, नहीं did I raise my hand? Yes, sir. Hand raise ho gaya. सर इसके साथ आप क्या शेयर स्क्रीन की जी शेयर स्क्रीन की है बट हाउ सम हाउ इट इज इट कैन नॉट अब आ रहा है अब आपको नजर आ रहा है कुछ नोट नोट सर हाँ इस तो हम सब बंद कर लेते हैं ना फिर से ज्वाइन करते हैं कॉल को हाँ फिर से ज्वाइन करें हाँ जी इसको बंद कर लेते हैं और फिर से ज्वाइन करते हैं हाँ जी किसका ये हमारे साथ जो एक नए साहब आए थे वो अपना इंट्रोडक्शन करा देते जी अब आप देखिए नाउ कैन यू सी मी हाँ जी नो सर मैं स्काइप की जगह किसी और चीज को शेयर करूं अगर इफ आई क्रिएट फोटोज हाँ शायद उसी की वजह से प्रॉब्लम हो रही है सर नहीं वो और किसी चीज को शेयर भी नहीं करने देता अच्छा ऑल राइट मैं फोटोज को शेयर करता हूँ नहीं उस अभी भी नहीं मसला अभी भी मसला है यस सर उसमें दो ऑप्शन होंगे किसी आप ना खोल लेना उसको आप डॉक्यूमेंट विंडो में किसी भी खोल लेना और फिर उसके बाद शेयर स्क्रीन करके देख लें जी सर जो आपको शेयर करना है वो पहले खोल लें तो वो दिखाने हाँ, लगेगा शेयर स्क्रीन में उसका ऑप्शन हाँ, फिर वो शेयर करना स्क्रीन से हो जाएगा शुरू नहीं जब मैं ये खोल लेता हूँ उसके बाद फिर मैं वहाँ पे नहीं जा सर सकता सर आ गया सर आ गया सर आ गया आ गया जी जी कैन यू सी मी यस सर सर वी कांट सी यू बट वी कैन सी द स्क्रीन जियो जबरा नजर आ रहा है आपको नहीं सर अभी आप यहाँ से करें ना चूज अभी आप सर अभी आप स्काइप खोले हुए हैं तो स्काइप नजर आ रहा है स्काइप नजर आ रहा है जी बस स्काइप को मिनिमाइज कर देना चाहो साहब जी अब आपकी स्क्रीन चली गई वो स्काइप को मिनिमाइज करते ना शायद तो फिर वो नहीं होता
सिर्फ स्काइप को मिनिमाइज करना है विंडो को ना, फिर वो आ जाता है। अभी तो स्क्रीन चली गई है। मैं अब नहीं, अभी तो नहीं आ रही स्क्रीन, नहीं आ रही। वो पहले ठीक आ गई थी, बस उसका स्काइप क्योंकि वो था ना विंडो खुला हुआ, तो उसको मिनिमाइज करते हैं तो पीछे वाली विंडो पे नजर आई थी। हम मिनिमाइज कैसे करूं? ये जो आपके ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे आते हैं ना तीन ऑप्शन स्काइप जब खुला हुआ था, तो वहां से मिनिमाइज दबाते तो वो फिर स्काइप की विंडो मिनिमाइज। अब आ गया, स्क्रीन आ गई, अब स्क्रीन आ रही आपकी। जी 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 जी, तो अब मैं अब स्काइप को हटा दूं? बस अब स्काइप को मिनिमाइज कर दें आप, तो फिर जो पीछे मिनिमाइज का क्या मतलब होता है? मिनिमाइज से मतलब कि आप एप्लीकेशन जो है ना वो जो जेब्रा वाली चाह रहे हैं ना, अब आपकी वीडियो आ गई, अब आपकी वो आ गई, वीडियो आ गई, तस्वीर आ रही है। हाँ जी जी। अच्छा, अब मैं इसको कैसे खत्म करूं? बस आप जो जेब्रा की जो ऐप है उस पे आ जाए तो वो कास्ट हो जाएगा। जी जी, अब आ गई सर, आ गई सर, आ गई, आ गई, आ गई। यस यस, चलें, शुक्र है जी। अब ये जरा याद रखिएगा, मैं भूल जाता हूँ। ऑलराइट, तो मैं यहाँ पे नोट्स लिख सकता हूँ आपके फायदे के लिए ही ये सारा कुछ किया है। अच्छा, तो हम सर्कल की बात कर रहे थे ना, सर्कल पढ़ रहे थे, सर्कल की प्रॉपर्टीज देख रहे थे। यू रिमेम्बर लास्ट टाइम हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे थे। हाँ, आपको याद है? जी 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 सर। अच्छा ठीक है, तो अब आप देखें कि ऑलराइट, ओके राइट। All right, let me अच्छा ये बताएं कि सर्कल की इक्वेशंस क्या होती हैं? Can you tell me what are the different equations of a circle? Parametric equations हमने कल discuss की थी circle की। हाँ, कल हमने parametric equations discuss की थी ना circle की, तो हम देखना ये चाहते हैं कि आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज अभी आ जाएगी आपको। सर आ रही है सर, मतलब आ रही है सर आवाज। आवाज आ रही है जी सर। जी, मैं इस विंडो को कैसे बंद करूं? यू सी, यूजिंग द हार्डवेयर फॉर द फर्स्ट टाइम इज ऑलवेज इज अ हेडेक।
ओके I can't write out. I write down with my pencil. What has happened? उसी के लिए तो सारा. सर आपको ये नीचे जो सर ये बेस में कैमरा बनाए और बगल में स्केच पेन बनाए आप उस पे क्लिक करें स्केच पेन पे. I can't click it. जी सर सर इसमें से आप फर्स्ट वाला सिलेक्ट कर लें. लेकिन ये ब्लैक है. तो सर दूसरा वाला कर लें सर. ब्लू कर लें सर. सर अब लिखें अब लिखें देखें अब. नहीं यो आई कांट राइट इट विद माय पेंसिल. सर आप फिंगर्स से ट्राई करें. नहीं आई कांट. सर आप आईपैड यूज कर रहे हैं क्या? हाँ आईपैड यूज कर रहा हूँ. द लेटेस्ट आईपैड 9 इंच नाइन दिन ग्रिड इस्तेमाल हो गए. चलो आगे अब मैं I can't write it. What has happened? Okay, now I start his writing. All right, okay. हाँ जी अब चलना शुरू हो गया. सो वी वर टॉकिंग अबाउट यूनिवर्सल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन लास्ट टाइम. ओके एंड वी विल कंटिन्यू डिस्कसिंग इट्स प्रॉपर्टीज. सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑल राइट यूनिफॉर्म आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है? जी सर. मैं इस तरह लिख रहा हूं कि आपके लिए सर्कुलर मोशन. तो उसके लिए सर्कुलर को हमें जरा देखकर स्टडी करना पड़ेगा कि सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है. सर्कल के अंदर यू सी देयर आर सो मेनी थिंग्स विच आर हिडन इन साइड अ सर्कल. आई हैव ड्रॉन दिस सर्कल अप्रॉक्सीमेटली एक्स एंड वाई. और मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ कि हमने लास्ट टाइम ये किया था कि वाई को कहा था कि दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ टी और एक्स को कहा था इट इज साइन ऑफ टी. तो ये cos t और sin t का इस सर्कल के साथ रिलेशनशिप कैसे बन गया? बासिल आप कुछ हमें बता सकते हैं कि ये इनका cos t और sin t का सर्कल के साथ क्या रिलेशनशिप है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन तो हम बाद में करेंगे, पहले तो ये बात है कि इनका रिलेशनशिप क्या है आपस में cos t और sin t का. जी बताइए. हाँ जी नहीं पता. अच्छा तो फिर आज हम इसी को लेके चलते हैं. इनपुट पे हम आप मेरे साथ साथ ये ड्रॉ करते जाएं. कर्व कमांड है मेरे साथ ड्रॉ कर लें. ठीक है आप कर रहे हैं ना? जी सर कर रहा हूँ. यस सर.
ये कर्व कमांड, ओहो ये क्या कर्व कमांड को मैंने खराब कर दिया। यहाँ पे दोबारा मुझे कर्व लिखना पड़ेगा, कर्व ये वाला, और इसको एंटर करना पड़ेगा। अच्छा इसमें आपको लिखना पड़ेगा, शुरू में लिखें टी कॉमा डाल के थ्री साइन ऑफ टी, ठीक है जी, और पैरामीटर आपका टी है, पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं ये, और साथ ही हम जीरो से शुरू कर रहे हैं और एंड वैल्यू हमारी एक वेरिएबल है जो कि हमारा स्लाइडर बन जाएगा। ये अब आप जरा गौर से देखें इसको, ये देखने वाली बात है। ये देखें आप जरा, मैं इसको स्लाइडर की प्रॉपर्टीज को जरा चेंज कर दूं। अभी हमें नोट्स नहीं चाहिए, जब नोट्स हमें चाहिए होंगे जब हम देख लेंगे। अच्छा यहाँ पर यार वो सेटिंग्स कैसे आती है, यहाँ से आती है, ये आती है सेटिंग्स यहाँ से, और इसको खोलेंगे तो ये तो कोई और चीज आ जाती है यार। यहाँ फिर मुझे आपकी हेल्प की जरूरत पड़ रही है, आई नीड टू चेंज द कलर। हाँ ये उधर ही आशा साहब सेटिंग्स में जाएंगे तो वो सेटिंग वो शो नहीं हो रही, वो ये जो है ना वो आउट ऑफ स्क्रीन हुई है राइट साइड से, तो इस स्क्रीन को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, ऊपर से उठाना पड़ेगा। कर्व की वैसे इजी है सर साहब, इसको कर्व को दबा के ना फिर ये राइट साइड पे जो ट्रायंगल और सर्कल नजर आ रहा है इस पे दबाएंगे तो फिर चेंज कर सकते हैं, वो सेटिंग्स खोलने की भी जरूरत नहीं है। हाँ जी ये ऊपर आपका जी यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। वो पहले कर्व पे दबाना पड़ेगा जी, हाँ कर्व पे आ गया ना जी जी, बस फिर ऊपर से वो चेंज हो जाएगा। ऑल राइट ये इसका कलर चेंज हो गया और इसकी ये भी नहीं, नहीं ये मुझे नहीं चेंज करना। मगर ये मैंने खत्म कर दिया है इसको, हाँ जी ऑल राइट ओके, सो दिस इज दिस लुक्स बेटर नाउ, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर दें, थोड़ा सा ज्यादा मोटा कर दें, ऑल राइट ओके। अब आप जरा देखें जी, अच्छा इसकी भी सेटिंग्स हमने चेंज करनी है, सेटिंग्स, और इसमें सेटिंग्स कैसे चेंज करें जी, स्लाइडर की सेटिंग्स कैसे चेंज करें सर? वो आपको लाना पड़ेगा स्क्रीन को, वो जो नीचे वो ब्लैक लाइन नजर आ रही है, इस ब्लैक लाइन को ऊपर लेके जाएंगे तो आ जाएगा, वो नीचे सेंटर में ब्लैक लाइन है ये जो है सर, इसे बस वो करना है। हाँ
हाँ ये आ गया. ओके सो द स्लाइडर इज हेयर. इस स्लाइडर को यहीं रखना चाहिए. यहाँ पे मैं कर दूँ, असल में थोड़ा सा इसमें लैग है ना. ओके इसको मैं कर दूँ ज़ीरो और इसको मैं कर दूँ 20. All right. 10 is okay. Oh, 20 करना था. Okay. So this is all right. अब मैं इसको ज्यादा दूर नहीं भगाना चाहता ताकि ये कहीं गायब ही ना हो जाए. अच्छा अब आप देखें जरा बासिल. जी सर. मैं अगर इसको जीरो पे कर दूं ना ये देखें मैं इसको जीरो पे कर देता हूं तो इसको जब मैं चलाता हूं ना क्यों नहीं चल रहा. ये देखें जी. Can you see that? Yes, sir. This is the sine curve. ये आपने मेरे ख्याल में पहली दफा देखी होगी. नहीं सर देख चुका हूँ अभी अभी कुछ दिनों पहले आपने बताया था sine curve के बारे में. ये देखें इसकी स्लोप इनिशियली बहुत ज्यादा है. स्लोप यहाँ पे हम अगर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं हम इसकी स्लोप. स्लोप एट टाइम टी जीरो बहुत ज्यादा है और स्लोप यहाँ पे बहुत कम है. ओके सो दिस इज द बेसिकली द साइन कर्व. अच्छा अब हम दूसरी ड्रॉ करते हैं. यहां पर कर्व और ये नीचे नीचे वाला ये वाला जो है इसको आपने क्लिक करना है. अब यहां पे हमने लिखना है पहले लिखना है 3 cos of t और आगे लिखना है t और आगे लिखना है माइनस t और उसके बाद लिखना है जीरो दोबारा t एंड देन स्टार्ट वैल्यू जीरो एंड एंड वैल्यू m m. ये अब आप देखें एक कोसाइन है और एक साइन है. कैन यू सी दैट. साइन कहां से शुरू होती है और कोसाइन कहां से शुरू होती है. इसको मैं अगर कर दूं इसका कलर मैं चेंज कर दूं
Okay. I want the color of this to be changed. Why there is so much lag coming? मैं बहुत जल्दी दो बटन दबा देता हूँ जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है. यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर क्या मसला है इसको? सर जो जबरा सिक्स जो है वो स्लो है मैक पे. हाँ मैक पे स्लो है लेकिन दिस इज M1 प्रोसेसर वर्किंग ऑन आईपैड सो दिस शुड नॉट बी. मैक का ही हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर है ना, इस वजह से वो मैक पे उस तरह काम नहीं करता. अगर आप या तो विंडोज पे चलाएं तो फिर इसकी सही स्पीड है. नहीं विंडोज पे तो मैं शिफ्ट नहीं हो सकता. There is something which we are missing here. इसको अच्छा इसमें अगर मैं कलर चेंज करना चाहूँ या इसमें कलर चेंज करना चाहूँ ये भी नहीं चल रहा. ओह ये आया था लाइन. अब आ गई ना ये लाइन. तो अब हम इसका कलर चेंज करना चाहते हैं. कलर मगर कलर वो आ नहीं रहा. कलर क्यों नहीं आ रहा? यस सर मेरे हाल एनिमेशन पॉज करेंगे ना फिर. ऑल राइट तो एनिमेशन तंग कर दिया जी. यू आर राइट हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बात. एब्सोल्युटली राइट. एनिमेशन को क्लोज करना पड़ता है इसका कलर चेंज करने के लिए. देखा ना इसी तरह ही हम सीखेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके. इसका भी कलर चेंज कर देते हैं. इसको हम सब्ज कर देते हैं. ऑल राइट और इसका हम थोड़ा सा उसले इसका स्टाइल से हम इसकी लाइन थिकनेस भी बढ़ा देते हैं. इट कैन नॉट बी स्लो. इट्स M1 प्रोसेसर विच इज जो डेस्कटॉप की जो मशीन्स हैं इस वक्त एप्पल की उन पे यही प्रोसेसर लगा हुआ है. इट शुड बी एज फास्ट एज अ डेस्कटॉप प्रोसेसर. मैं मैकबुक प्रो की बात नहीं कर रहा, मैं डेस्कटॉप की बात कर रहा हूँ. This iPad should be as fast as a desktop Apple iMac. Sir, basically ये GeoGebra के architecture में कोई मसला है. वो मेरे ख्याल में Java runtime को use कर रहे हैं, वो मसला करता है Mac के साथ. नहीं वो कोई मसला हो लेकिन ये जो जहाँ तक इसके चलने का ताल्लुक है वो हाँ स्टाइल में लाइन थिकनेस थोड़ी सी और बढ़ा दूं. ओके नाउ इट्स ओके. अब आप मुझे बासिल ज़रा ये बताइए कि मैं इसको ज़ीरो कर देता हूँ, ज़ीरो के करीब ले जाता हूँ. ये देखें ये कहाँ से शुरू होता है और ये कहाँ से शुरू होता है. ये देखें सर साइन कर्व तो ओरिजिन से शुरू हो रहा है और सर कोसाइन कर्व जो है वो एक्स एक्सिस पे 3 के आसपास से शुरू हो रहा है.
मैं आपको चला के दिखा देता हूँ इसका एनिमेशन. अब आप देखें कि जो ठीक है. अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि ये देखें जी, इसको थोड़ा कम कर दें, छोटा कर दें. ये बात देखें कि जो हमारा हमारा जो एक्स है, इसको फिर बंद कर दूं ताकि ये हाँ ऑल राइट. जबरा ओके. हमारे कौन सा फोल्डर हम इस्तेमाल कर रहे थे? ओके, कोई है फोल्डर भी इस्तेमाल कर रहे नोट्स, न्यू फोल्डर, रिसेंटली डिलीटेड. ओके, हाँ जी, यहाँ से हम चलना शुरू करते हैं. मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक्स की वैल्यू जो है वो हमने यहाँ रखी हुई है 3 sin of t. ये वासिल, आप इस बात से एग्री कर रहे हैं? जी सर. अच्छा, और वाई की वैल्यू हमने रखी हुई है 3 cosine of t. इससे भी एग्री कर रहे हैं आप? जी सर. अच्छा, लेकिन वाई को हमने इन्वर्ट कर दिया. इन्वर्ट क्यों किया आपके ख्याल में? इसलिए कि वाई जो है वो हमें ये बताएगा ना कि ये y को इन्वर्ट क्यों किया हमने. जी बताइए. इसलिए इन्वर्ट किया है कि y जो है वो y एक्सिस पे हमें बताएगा ना सारा कुछ. जी, इसलिए इन्वर्ट किया. अब हमने सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, तो सर्कल की इक्वेशन लिखने में हम यहाँ पर इनपुट पे लिखेंगे अगेन अ कर्व कमांड. और इसके नीचे ले आए यहाँ तक आके, और उसके बाद एक्सप्रेशन में यहाँ पे लिखें साइन और ब्रैकेट में टी, और इसको 3 से ज़रब देना है आपने. वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 3. अब हम इन दोनों कर्व्स को मिला के देखेंगे कि सर्कल कैसे बनता है. ये आपने पहले शायद नहीं देखा होगा. हाँ, नहीं, ये देख, ये दिस इज समथिंग विच यू शुड really be interested in. इसलिए कि ये इस दफा आप अगर कर लेना इसको 3 cos t, ये इसका वाई पार्ट है, और उसके बाद टी इज द पैरामीटर, और हम इसको जीरो से हमेशा एम तक ही लेके जाते हैं. ये देखें, एम सब जगह एक जैसा ही है, ये आपने नोट किया है?
यहाँ पर भी एम एक जैसा ही है जी सर, यहाँ पर भी एम, यहाँ पर भी एम। अच्छा अब मैं इसका कलर, अब मैं इसका कलर कैसे चेंज करूँ? अच्छा इसको फिलहाल भगा देता हूँ मैं, हाँ ठीक है। और कलर मैं इसका इसका कलर मैं करना चाहता हूँ रेड, ये रेड हो गया और स्टाइल भी मैंने इसका कर दिया। अब आप देखिए ज़रा गौर से देखिए आप, और अब मैं ऑल राइट अब मैं वापस ले आता हूँ उसको नोट्स को। ये देखें जी, हमने लिखा था कि x इज इक्वल टू साइन ऑफ टी और y इज इक्वल टू साइन ऑफ टी। तो ये x साइन ऑफ टी है और y जो है वो कोसाइन ऑफ टी है। अब मैं आपको इसको इस साइड पे लेके जाता हूं, इसको देखें ये कैसे चेंज होता है। और थोड़ा सा मैं इसको इधर लेके आता हूं, तो अब आप देखें ये थोड़ा सा लैग है इसके अंदर। ये देखें ये आपका साइन है बासिल, जरा गौर से देख लें, ये आपको आखिरी मौका मिल रहा है, इसके बाद आपको कोई नहीं समझाएगा ये। ये आपका साइन है, ये आपका साइन है, ये वाला ग्रीन वाला, और ग्रीन ये बताता है कि एक्स पोजीशन कहाँ पे है। हाँ जी सर, जी सर, जी सर। ये अब आप देखें इसको मैं और इधर लेके जाता हूँ तो ये बिल्कुल खत्म हो जाता है। यहाँ पे मैं रखता हूँ तो देखें ये जब x की वैल्यू यहाँ पे आती है, इस टाइम के ऊपर x की वैल्यू ये आती है, इतनी आती है। हाँ जी सर, तो उस वक्त x की वैल्यू यहाँ पर देखें कितनी है, गेट द पॉइंट? कहाँ पर सर, कहाँ पे वैल्यू एक्स की देखनी है? ये जरा आप खुद से देखें कि ये क्या हो रहा है, वो क्या रहा है ये? ये क्या हो रहा है सर? जैसे जैसे साइन कर्व और कोसाइन कर्व बन रहे वैसे वैसे सर्किल साथ ही में उनके सर्कल का साइन और कोसाइन के साथ क्या ताल्लुक है? ये जो ब्लू है ये आपको बताती है कि आपका जो वाई पार्ट है वो कितना बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना जी सर? तो वो इतना होना चाहिए, ये तीन है ना, तो ये तीन होना चाहिए यहाँ पे जी इस टाइम पे। और एक्स पार्ट कितना होना चाहिए? वो जीरो होना चाहिए, वो जीरो है जी, ठीक है या नहीं? इस पे डिस्कशन करें, उसके डिस्कशन के बगैर मजा नहीं आएगा सर। जीरो होना चाहिए साइन के जहां पे इंटरसेक्ट करना है वो होना चाहिए। सोहेब साहब बताएं जी क्या कह रहे हैं ये? ये बासिल साहब रिपीट कीजिए। मैं कह रहा हूँ जो साइन बता रहा है जो ग्रीन वाला है वो जीरो उसकी वैल्यू होनी चाहिए कि या फिर जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है सर्किल को वो होनी चाहिए? मैं
नहीं, मेरे मुझे मेरे माइंड में तो ये इस तरह है कि ग्रीन कर्व जो है वो आपका सर्कल का एक कंपोनेंट को शो कर रहा है, और दूसरा ब्लू वाला जो है वो सेकंड कंपोनेंट शो कर रहा है, और इन दोनों को जब मिलाएंगे ना तो सर्कल बनना चाहिए। मतलब ये मेरी जो टाइम टी जीरो के ऊपर, जीरो पर ग्रीन की वैल्यू क्या है? जीरो। इसको और ले जाओ ना करीब। हाँ जी, अब टाइम टी जीरो पे ग्रीन की वैल्यू जीरो है जी, ठीक है, और ब्लू की वैल्यू थ्री है जी। ब्लू आपको वाई एक्सिस बताता है कि वाई पे कितना दूर होना चाहिए उसको, वाई पे इसको तीन होना चाहिए और एक्स पे उसे कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए जी। इस टाइम के ऊपर ये जो टाइम है, ये जो टाइम, इस टाइम पर एक्स की वैल्यू टू होनी चाहिए, ये रखें ये टू है, और वाई की वैल्यू इतनी होनी चाहिए, ये वन से थोड़ी होनी चाहिए, ये वन से थोड़ी है इस वक्त, आपको नजर आ रहा है ना जी सर? वन पे अगर हम देखें तो ये, और अगर हम इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा दें, ये देखें, नहीं ये ज्यादा हो गया। देखें ये आपको पूरी तरह ये बात समझ नहीं आ रही, मुझे पता है कि समझ नहीं आ रही, इसको समझने की कोशिश कर लें अगर आप करनी है तो जी। ये देखें, ये जब ये मैक्सिमम हुआ है तो ये 1.5 पे मैक्सिमम हुआ है ये जी सर। उस टाइम पे ये जो इसकी जो वैल्यू थी 1.5 पे वो इतनी थी, ठीक है ना, 1.5 पे इसकी वैल्यू इतनी थी जी। तो अब आप देखें कि 1.5 पर ये x की वैल्यू कितनी, 1.5 पर इसकी वैल्यू कितनी हुई बताइए? x 1.5, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई ना जी सर, मैक्सिमम है 1.5 पर। यह सुहेल, इसमें कोई गलती तो नहीं है? ये नहीं, 1.5 पे टाइम 1.5 पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो गई है। हाँ, हमने कोई गलती तो नहीं की है इसमें? आता है ये 1.5 पर ग्रीन मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है, और ये यहाँ पर 1.5 पर ये मैक्सिमम, ये दरमियान में वैल्यू बता रहा है। ये बताइए जी जरा, इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? हाँ जी 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 हाँ, सोली तौर पे तो मिसाल है कि ग्रीन को अगर हम देखें ना, ग्रीन को हम देखें कि जब एक्स 1.5 है तो ग्रीन जो है ना वो 3 आ रहा है। हाँ जी। और ब्लू को अगर हम देखें, अगर मुझे जो समझ में आ रहा है कि ब्लू का ये चक्कर है कि एक्सेस जो है ना वो अदल बदल हुए हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब एक्स 1.5 है तो जो ब्लू की वैल्यू है वो ज़ीरो है, ज़ीरो के पास है, यानी कि गालिबन इंटरसेक्ट जा हो रहा है, अगर उसको अज्यूम करें कि वो ज़ीरो से थोड़ा सा ऊपर है वैसे, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इसको वो जवाब जो आना चाहिए ना, वो जवाब सर्कल के पॉइंट को उस, इन दोनों को ऐड करके सर्कल के पॉइंट डिफाइन होना चाहिए असली तौर। लेकिन अभी ये थोड़ा सा मुझे भी जी वो नजर नहीं आ रहा ना, नज़र नहीं आ रहा जी। हाँ, क्यों नहीं नज़र आ रहा, उसमें क्या गलती है? हमने देखें यहाँ पर कोई गलती की है, यहाँ पे कोई गलती की है, यहाँ पे कोई गलती की है, देखे जरा कहीं पे कोई गलती की है हमने कोई या नहीं? एक तो सर मुझे जो बी कर्व है उसमें जो हमने 3 cos t, -t क्यों लिया है, ये टी नहीं ले सकते हम? ये मुझे क्लियर नहीं है, मतलब मुझे क्लियर नहीं है उसके ऊपर ऊपर की तरफ ड्रॉ करना शुरू कर देता है। मैं कर देता हूँ इसको अगर आप कहते हैं तो। नहीं, बाकी क्या कहते हैं इस पे, ताहिर साहब क्या कहते हैं, माइनस टी ठीक है या नहीं, करके देख लेते हैं ना। अच्छा अच्छा, ये cos of t और उसके बाद ये माइनस टी, खत्म कर दिया,
ये लें, लें जी, ये अब ऐसे हो गया। तो वो ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाएगा। इसको अगर आप चला दें तो ये ऊपर की तरफ बनना शुरू हो जाएगा, वो तो कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये मैक्सिमम है और यहाँ पर ये जीरो है, देखे ना, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, यहाँ पे ये जीरो है। तो वो तो देखे ना, यहाँ पर ये मैक्सिमम है, यहाँ पर ये मैक्सिमम आ रहा है, तो उस वक्त सर्कल की वैल्यू भी मैक्सिमम होनी चाहिए ना उस टाइम पे। उस वक्त सर्कल की वैल्यू भी ये जो है एक्स की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है यहाँ पे, तो सर्कल की पॉइंट यहाँ पे आना चाहिए ना। ये देर इज अ मिसमैच समवेयर, मिसमैचिंग है, सिंक्रोनाइजेशन ठीक नहीं है इनकी। मैं इसको अच्छा दोबारा से इसको अगर इसको अच्छा सा बी कर्व को हम जो है ना नॉर्मल, जैसे हमने ए कर्व को डिफाइन किया ना टी कॉमा थ्री कॉस टी, अगर इसी तरह नॉर्मली लिखें तो ठीक नहीं होगा। मसलन के आप बी कर्व को डिफाइन करते वक्त करें कि कर्व टी कॉमा ओहो थ्री कॉस, हमने बी कर्व को डिफाइन किया है। नहीं, एक तो हमारी ये सर्कल है, ये थ्री साइन टी हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, थ्री कॉस टी, हाँ ये हमें नहीं करना चाहिए था, ये गलती हुई हमसे। यस यस यस, यहाँ पे थ्री कॉमा थ्री कॉस टी शायद होना चाहिए, यहाँ थ्री कॉस टी होना चाहिए। नहीं, मेरा ख्याल ऐसा था टी कॉमा थ्री कॉस टी नहीं होना चाहिए। एक मिनट, थ्री कॉस टी और उसके आगे होना चाहिए था माइनस टी। ये थ्री कॉस टी माइनस टी टी, ये चल नहीं रहा अभी भी। x is equal to 3 cos t, सर 3 cos t के बाद आप एक कॉमा लगा दें। हाँ जी, ये कॉमा नहीं लगाया हुआ यहाँ पे। अब देखें जी, हाँ जी, अब आप देखें, अब ये अब इनको synchronized होना चाहिए। जीरो टाइम के ऊपर ये यहाँ पे है, इसकी वैल्यू थ्री है, तो इसकी वैल्यू भी थ्री है, और इसकी वैल्यू बहुत थोड़ी है, तो इसकी वैल्यू भी बहुत थोड़ी है, और हम जैसे जैसे आगे जाते हैं ये देखें जी, यहां पर इसकी x की वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है, हाँ तो ठीक बात है ना, यहां पे जाके इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है वन यहां पर, और यहां पे जाके इस टाइम पर इसकी वैल्यू तो जीरो होनी चाहिए। हाँ जी, इसमें क्या कंफ्यूजन है? जी बताएं जी, राय साहब। यस सर। हाँ जी बताएं, क्या मसला है? कोई मसला नहीं है सर। हाँ, कोई मसला नहीं है। यस सर, बिल्कुल सिंपल चीज है ये। क्या कोसाइन और वो कोसाइन से कैसे ये सर्कल बन रहा है? कैसे बन रहा है बताएं। ओके,
पहले हमने वो कर लिया तो उसमें हमने टी दे दिया, एक एक्स को टी दे दिया या वाई को टी दे दिया, ठीक है, तो वो टी पे ड्रा हो रहा है। लेकिन जब हमने दूसरे पे टी की जगह एक की जगह साइन और एक की जगह कोसाइन दे दिया तो वो सर्कल ड्रा हो रहा है, वो इधर पॉइंट करना शुरू हो गया। क्योंकि वो टी दिया हुआ ना इसलिए वो आगे की तरफ जा रहा है, और जिधर हमने टी नहीं दिया उसे मतलब टी को रिप्रेजेंट किया एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस में। बी वाली जो कर्व है ना, बी वाली जो कर्व आपने बनाई है, इसमें अगर आप एक्स को टी दे दें, एक्स को टी दे दें और नीचे वाई को 3 cos t दे दें तो वो ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि ये क्यों हो रहा है। अभी थोड़ा कंफ्यूज बी वाली कर्व है। जी जी, ये बी वाली कर्व है जो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर रही है, क्योंकि वो आपने एक्स को 3 cos t दे दिया है। अगर आप इसकी जगह एक्स को टी और वाई को 3 cos t दे दें तो वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये टी। अच्छा अच्छा, यहां पे मैं कर देता हूं, क्या बताऊं, बताएं जी क्या करूं मैं? एक्स को टी कर दें पहले 3। जी 3 ना, इसके इसको सर टी कर दें, टी टी इसको टी कर दें। यस सर, सिर्फ टी, इसको टी, इसको टी कर दें और कॉमा कॉमा 3 cos 3 cos t 3 cos t cos of हाँ जी आगे बस सर आगे ठीक है यस सर ठीक है यस सर। अभी आपको तो नजर आया बासी कि ये क्या हुआ? कि आप देखें ब्लू लाइन भी अपने वाले में करके देख रहा हूँ, चेक कर रहा हूँ। साइन का वो जीरो पे वन होता है ना, जीरो डिग्री पे। अब ज्यादा बेहतर नजर आ रहा है। अभी इन दोनों लाइंस को हम आप ये देखेंगे, एक को एक्स की जगह रख दिया, दूसरे को वाई की जगह रख दिया तो वो सर्कल बनना शुरू हो गया। देखें ये एक्स जो है वो इस टाइम पर 2 के करीब है ना, तो ये 2 के करीब हो गया एक्स की वैल्यू, और इसकी वैल्यू, इसकी वाई की वैल्यू जो है वो 2.3 के करीब है, तो इसकी वैल्यू 2.3 के करीब होगी। ये इस तरह ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, मैक्सिमम देखें कहाँ पे जाता है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये कैसे हो गया, यहाँ पर तो फिर मसला हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू 3 होनी चाहिए थी, तो इस टाइम पर x की वैल्यू 3 है। हाँ ठीक है, x की वैल्यू 3 है और इसकी वैल्यू 0 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये देखें इस टाइम के ऊपर इसकी वैल्यू 0 है, एक्स वाई की वैल्यू 0 है और एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है। तो ये देखें वाई एक्स की वैल्यू 0 है, सॉरी वाई की वैल्यू एक्स की वैल्यू मैक्सिमम है और वाई की वैल्यू 0 है। ये देखें वासिल, ये आप जरा इसको पक्का कर लें जितना कर सकते हैं आप। जी सर, ये सिमुलेशन पहले आपने, समीना आप नहीं बोल रही सर, मैं साथ साथ बना के देख रही हूँ। आप बना के देखे ना जरा, मैंने बना लिया साथ साथ आपके। वासिल आपको ये समझ आ गई थी कि हमने साइन और कोसाइन की तरफ से लाया? जी 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 जी, वो हमने यूनिट सर्कल से लाया बेसिकली।
अच्छा, अगर आपको ये चीज समझ आ गई है तो फिर आपको ये चीज भी समझ आ जानी चाहिए कि अगर फर्ज करें मैंने यहां पे लिखा था एक्स एक्स इज इक्वल टू 3 साइन एक्स, ये लिखा था ना जी, और वाई लिखा था cos x, हाँ y लिखा था मैंने, क्या मसला हो जाता है इसको यार, ओके y is equal to 3 cos of x. अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए, अगर आपको बात सिर्फ समझ आ गई है ना, तो अगर मैं यहाँ sin 2x कर दूं, बाकी चीजों को मैं छुपा देता हूं, अगर मैं sin 2x कर दूं इसको, ये देखें ये sin x है, ठीक है ना जी सर, अगर मैं इसको साइन 2x कर दूं तो फिर क्या होगा ये मुझे बताएं, अभी पता चल जाएगा कि आपको कितनी समझ आई है। ये देखें जी, मैं इसको यहां से बंद कर रहा हूं और यहां पर मैं कर रहा हूं जी, यहां पर मैं साइन 2x कर रहा हूं, 2t कर रहा हूं, ये देखो ये क्या हो गया, पहले क्या था और अब क्या हो गया, एम्पलीट्यूड मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो अभी भी 3 है, देखा है आपने, लेकिन जो इसकी, मैं दोबारा से इसको वापस लेके जाता हूं और दिखाता हूं कि इसको 2 ना करने से क्या होता है, कहां किया था मैंने 2, यहां किया था, ये देखें ये मैं अगर 2 खत्म कर देता हूं तो उससे क्या होता है, ये देखें आपको नजर आया जी सर, तो ये 2 करने से क्या फर्क पड़ता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है जी सर, आपने ये कहीं नहीं पढ़ा पहले, सर पढ़ा तो है लेकिन ध्यान नहीं है मुझे, अब आ गया ध्यान जी सर, आ गया सर, ये मैं भी करके देख रहा हूँ अभी जियोजेब्रा पर, करके देखें ना आप, देखें फिर आगे चलते हैं हम जी सर, देख लिया, मैं अगर आगे चला गया तो फिर बात नहीं बनेगी, देख लिया सर, देख लिया मैंने, देख लिया आपने। अच्छा, अब आपसे मैं ज्यादा मुश्किल सवाल पूछ रहा हूँ जी, वो ज्यादा मुश्किल सवाल ये है कि सर ये वाई, ये बाज़ दफा पेंसिल चलना बंद क्यों हो जाती है,
सर पेंसिल चार्जिंग पे तो नहीं लगी है जी? चार्जिंग पे तो नहीं लगी हुई पेंसिल? नहीं नहीं चार्जिंग पे नहीं लगी हुई, चार्ज से हुआ है। हाँ जी, अब अगर फर्ज करें मैं जो सर्कल की कमांड थी उसमें अगर मैं इसको एक्स को 3 साइन 2x करूं और वाई को 3 कॉस एक्स करूं तो फिर क्या होगा, फिर क्या चीज प्लॉट होगी ये बताएं जी मुझे। सर बस साइन की वैल्यू चेंज करनी है, 2x करना है। हाँ साइन की वैल्यू 2x करनी है, y की वैल्यू 3 cos x ही रहेगी। बताएं जी अब क्या होगा, अगर आपने ओवल सा बन जाएगा वो सर्कल नहीं रहेगा, शेप चेंज हो जाएगी। हाँ शेप चेंज हो जाएगी, वो ओवल टाइप सा बन जाएगा, सर्कल नहीं रहेगा, बटरफ्लाई बन जाएगी जी सर। ये तो सर वो 8 बन रहा है, हाँ जी यहाँ पे करके देखते हैं हम, यहाँ पे किधर है सर्कल, ये है ना सर्कल, तो साइन को 2 करना था कि कॉस को 2 करना था? साइन को 2। साइन को टू कर लेते हैं जी सर। और ये क्या हो गया, हाँ साइन को टू कर लिया, और ये भी हम दिखा दें, ये देखें जी बन गया, ये कैसे हो गया, अब ये भी दिखा देते हैं आपको साथ ही। देखें एक की फ्रीक्वेंसी दूसरे से डबल है, ये बासिल ये आपको ये अगर आपको समझ आ जाती है तो आज एक बहुत बड़ा मार्का आप सर कर लेते हैं। अच्छा सर अगर कॉस की भी वैल्यू डबल कर दें तो? दोनों को कर दें, ना दोनों को कर दें तो सर दोबारा वही हो जाएगा, वो तो इक्वल हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा फिर से ना, सर्कल बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। लेकिन अगर हाँ ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि इसको हम 1 रखें और उसको 2 कर दें फिर क्या होगा जी सर, आप बताएं, आप सोच के बताएं क्या होगा। सर तब तो एक उल्टा यू शेप बन गया। उल्टा यू शेप क्या कह रहे हो तुम? सेम शेप होगी दूसरी तरह होगी। ना है तुमने नहीं बोलता। ये बात वासिल को बोल दे दो। वासिल कैसा बनेगा? सर उल्टा यू बन रहा है सर। क्या उल्टा क्या होता है? अपसाइड डाउन कर। क्या मतलब अपसाइड? इसको अपसाइड डाउन करें तो ये तो फिर भी नहीं नहीं सर, ये नहीं सर, शेप चेंज हो जाएगा। शेप चेंज हो जाएगा जी सर। तो वो क्या शेप बनेगी, बनाओ जरा उसका। सर उसका जो सर उसका हाईएस्ट पॉइंट होगा सर वो नहीं नहीं, तुम मुझे शेप बना के दिखाओ, मुझे शेप बना के दिखाओ, शेप डिस्क्राइब करो।
किसी को 90 डिग्री रोटेट कर लें। नहीं यार तुमने जवाब बता दिया ना उसको, वो और जवाब भी गलत बताया। तो मैं कंफ्यूज कर रहा हूँ उसे ना, मैंने कह रहा हूँ 90 डिग्री रोटेट कर लें बटरफ्लाई बन जाएगी। नहीं यार गलत जवाब बता रहा है तुम्हें, तुम इसकी बातों में ना आना, कंफ्यूज कर रहा है तुमको। सर मेरे में तो कुछ और बन रहा है। क्या बन रहा है? देखो जो भी बन रहा है वो बना के दिखाओ और फिर उसमें देखो कि अगर कोई गलती है तो क्या है, अगर गलती नहीं है तो हमारे में क्या गलती है। इसी तरह लर्निंग होती है, ये नहीं होता कि ये सही है ये गलत है, नहीं ऐसे नहीं होता। सर मैं प्रेजेंट करूं क्या जो मैंने बनाया है? हाँ प्रेजेंट करो। तमीना तुम्हारा क्या ख्याल है? जी सर तुम्हारा क्या ख्याल है? बन रहा है सर ये देखो। मैं तो अभी तेज यही करा मैंने, उसको ट्रायल किया अप्लाई करने का, मैं वो पहले तक रुक गई हूँ एड बना के ना। हाँ जी दिखाओ ना किधर है सर ये। अभी अपने स्क्रीन शेयर करे ना हमारे साथ, फिर पता चलेगा। सर मैंने कर दी स्क्रीन शेयर। जी आ गए। कहाँ आ गई? देखिए क्या है यार वो किधर है मेरा वो ओके ओके सिंपल वो साइन टाइप बन गई ना। क्या 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 सिंपल साइन में रेड मेरा वो ही गायब हो गया क्या? किस पे हम कर रहे थे? स्काइप पे कर रहे थे ना हम। स्काइप पे जी स्काइप जी स्काइप पे सर। स्काइप किधर है? वेरी स्काइप बोलो ना किधर है स्काइप? नीचे से आएगा शायद अच्छा साहब आपके नीचे। नीचे नहीं है स्काइप, वो आप अपना जो मेन पेज आता है ना जहाँ पे वो डेस्कटॉप आइकन्स उस फोल्डर होते हैं उस पे आके आप स्काइप पे आ जाएं। कैसे आ जाएं स्काइप पे? स्काइप नजर ही नहीं आ रहा। आप यानी कि मिनिमाइज करके चीजों को जो उस पे आ जाते हैं ना मेन स्क्रीन पे आ जाते हैं जो पहली स्क्रीन होती है। स्क्रीन पे मैं आ गया हूं, स्काइप मुझे नजर नहीं आ रहा ना जल्दी में मुझे वो पे नीचे होगा। नहीं वो नीचे नहीं है, ऑलरेडी चल रहा है तो वो नीचे बार में होगा। नीचे नहीं है ना स्काइप? किधर गया स्काइप? किधर गया सर? नीचे आप पतला सा बार दिख रहा होगा ना, उसको सर आप ऊपर स्लाइड करके होल्ड कर ले तो रीसेंट ऐप्स खुल जाएंगे, उनमें से खोल सकते हैं आप स्काइप। नहीं वो तो मेरा स्काइप खुल जाएगा ना सर, आपका स्काइप खुलेगा तभी। स्काइप ही खोलना है, स्काइप खोलेंगे ना इससे आपको स्क्रीन आ जाएगी, फिर ये इसकी इनकी स्क्रीन नजर आ जाएगी बासिल की। स्काइप ही नहीं खुल रहा यार मेरा तो, क्या मुसीबत, आज मनहूस दिन है। किसकी जाए पैदाइश है आज? स्काइप किधर है? ट्राई की मेरी ट्राई नहीं आ रही। इकरा पत्ते चाय मांगी मैंने। ये रहा स्काइप आ गया। हाँ जी आप बताओ सर। दिखा दिखाओ दिखाओ मुझे नजर नहीं आ रहा अभी सर। ये बन रहा है, इधर बन रहा है मुझे क्या मतलब? ये तो नहीं बन सकता यार, क्या बात कर रहे हो तुम, पॉइंट बाय पॉइंट जाके देखो ये नहीं बनेगा सर। देखे ना सर मैंने वही सिंपल किया ना, फिर साइन की वैल्यू से सेम मैंने दी है और टी इसकी कॉस को टू कर दी है, टी इसको टू कर दी है ना कॉस वाले को, उससे यही ड्रॉ हो रहा है। मैंने भी करके देखा तो यही हो रहा है, पता नहीं सिंपल जब आप साइन टू टी जब है ना तो आप साइन टू टी के साथ जब करते हो तो फिर तो वो एट बनता है ना। अगर आप साइन टू टी की जगह सिर्फ टी रहने दे साइन टी और कॉस को टू टी कर दे फिर ये वैल्यू बनती है। क्या चीज बनती है? ये साइन वेव टाइप ही है। तो क्या सर ये तो जब साइन को टू कर रहे तो ये बन रहा है सर। आप रेड वाले को ड्रॉ करना है आपने, उसको करे ना कॉस को टू टी करे ना रेड वाले में जी, और नहीं नहीं तो उसको भी तो खत्म करें, 3 sin t और 3 cos 2t। जी सर वही लिखा है ये देखें।
थ्री साइन टी और थ्री कॉस टू टी। अब उल्टा करके देखें, थ्री साइन टू टी करें और कॉस टी करें, अच्छा ये बन जाता है, उस तरह करें तो क्या बनता है? तो किधर होता है भाई, तुम जो इनको कह रहे थे 90 डिग्री पे वो बेंड कर जाएगा, आप किधर हो, तुम खामोश बैठे हो सर, मैं इधर ही से जूम आउट करो यार हैं जी, इसे थोड़ा जूम आउट करो फिर देखते हैं क्या बनता है। अब क्या हो गया, अब किधर हो, मैं कह रहा था गलत जवाब दे रहे हो, कंफ्यूज कर रहे हो इनको, अब क्या हुआ सर? नहीं मैं नहीं कंफ्यूज कर रहा इनको, ये इसके क्वेश्चन में मसला है। हां क्या मतलब, तुम्हारे सामने ही है, तुम अपनी स्क्रीन शेयर कर दो। ये तो वैसे मैं, ये तो मुझे भी इसने कंफ्यूज कर दिया समीना का भी यही आ रहा है नहीं, लेकिन लॉजिकली तो देखो ना ये कैसे होगा, ये कैसे हो गया, ये मैं सोच रहा हूँ ये कैसे हो गया। नहीं अभी बासिल ये आपका कोइंसाइड नहीं कर रहा ना, आपके देखें ग्रीन का जो आपका वाई डिफाइन हुआ है थ्री साइन टी और रेड का में वो डिफाइन हुआ है डिफरेंट डिफाइन हुआ है थ्री कॉस टू टी, तो मेरा ख्याल है इसको ठीक करेंगे तो ठीक हो जाएगा। नहीं वो मैंने मतलब ठीक कर दिया, वो ए और बी है ना, सी तो रेड वाला है। देखे ना आपका ब्लू में थ्री कॉस टी आ रहा है, तो जो चीज वहां नजर आ रही है ना वही इसमें आनी चाहिए ना कंपोनेंट, जो रेड कर्व में जो चीजें आ रही हैं दोनों वो आपके जो ऊपर वाले कर्व है ग्रीन और ब्लू उनमें से आ रही है ना ये, तभी तो वो फिर वही चीज उसको दिखाएगी जो दिखाना चाह रहे हैं। यहाँ पे मिसाल है कि ब्लू में आपने लिखा हुआ है ना थ्री कॉस टू टी जी, तो वो तो आपका रेड कर्व में नजर आ रहा है, ठीक हो गया, आप ठीक हो गया, अब ठीक है, थ्री साइन टी है। हाँ अब चलाए, अभी भी गलत है। लो जी क्या हुआ, थ्री कॉस टू टी उससे तो बस एम्पलीट्यूड चेंज हुआ है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ गया, ये क्या बात हुई इसे, हम सॉरी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। ताहिर साहब मार खा गए ना आप? या सर बाकी मैं एक्सेल करता हूँ, बहुत ही ट्यूड का चुका मारा मैंने और ये मुझे भी सजेस्ट में नहीं आ रहा कि ये उल्टा यू क्यू बन गया, उल्टा ये नहीं बना, ये सीधा बना है, आप जो सोच रहे थे वो उल्टा है। हासिल साहब वो उल्टा ये सीधा बन गया, लेकिन आप जो चेंज वहाँ करें, अभी आपने फिर चेंज कर दिया जी, ये देखें अभी सब इक्वल है ना, अभी सब इक्वल है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आ जाए जी, अब मुझे सर्किल में यहाँ पे cos 2t करना है, ठीक है जी जी कर दे, cos 2t कर दिया ठीक है, अब ये बन गया ठीक ठीक है। अब मैं अगर आपके कहने पे b में भी बदलाव करता हूँ, b में भी cos 2t कर देता हूँ, तो ये देखें सिर्फ वो चेंज फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है सिर्फ, हाँ इससे तो खाली वो चेंज हो गया सही। बासिल एक और चीज करें, उससे वो सेम चीज आ रही है, ये अब हमें देखना है कि ये क्या हो गया, वो जो ब्लू वाली कर्व आपकी सी कर्व है ना, उसको क्लिक करें सी वाली को, अभी पता क्या करें, कॉस जिधर आपने 2t लिखा है ना उधर 0.5t लिख दें, अप्लाई करें, लो जी और मसला हो गया। ये तो वही बात हो गई यार, जब उसको दुगना कर रहे थे तो अब इसको इसको आधा कर दिया तुमने, बात तो वही हो गई। यस सर यही वो ये समझ नहीं आ रही, बात सर देखें ना, बात तो कुछ बन रही है, उसको डबल करें तो ये शेप आती है, इसको आधा करें तो ये शेप आती है,
हाँ तो ठीक है, वो डबल ही करने वाला इफेक्ट हो गया ना। अच्छा आप ऐसा करो, ये 0.5 की जगह 2 डालो यहाँ पे और 2 के दरमियान स्पेस डाल दो। जी सर 2 डाल दिया, स्पेस डालो, स्पेस डालो बीच में। ये तो बात ठीक नहीं है बाबा जी, पूरा चलाओ पूरा चलाओ, ये आगे चलता ही नहीं है, बस ये यहीं पे रुक जाता है। यस सर, ये सर जी ये आपको पता है, ये आपने बना दिया वो उसे क्या कहते हैं हाइपरबोला। अच्छा आप ऐसा करो कि जहां 2T लिखा है ना वहां 3T कर दो। ये क्या हो गया? ये तो बन गया, ये तो बन गया, क्या मतलब पहले नहीं बन रहा था? अब 3 को साइन में कर दो, इसको 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 वैसे ही रहने दो। हाँ इसको खत्म कर दो, यहां 3 कर दो। ये अब 90 डिग्रीज पे रोटेट हुआ है ना, तो वो क्यों नहीं होता 90 डिग्रीज पे रोटेट? सवाल तो यही है। ताहिर साहब मैंने छोड़ना नहीं आपको, आज को जाने नहीं देना आज रात आपको। सर मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ कि ये क्या हो गया, खुद परेशान हो गया हूँ, औरों को परेशान करके खुद परेशान। पहले मजे ले रहे थे ना आप, एंजॉय कर रहे थे लोगों को कंफ्यूज करके। सर मैं तो खुश हुआ था कि ठीक है रूम में। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर तुक्का मेरा बिल्कुल बस्ट हो गया। ये क्या हुआ है बताएं जी। अच्छा जी अब जरा मेरी स्क्रीन शेयर होने दें। जी सर करें। हो गई शेयर? यस सर। अच्छा जी अब मैं यहाँ पे करने की कोशिश करता हूँ। अब इसने फिर बद्दुआ लगानी है मुझे। थ्री साइन टू टी यहाँ पे हमने चेंज करना है ना। थ्री साइन ये टी और यहां पे 2T ऐसे ही करना है ना। ये कहां से आ गया, ये उर्दू कहां से आ गई मुसीबत। यार ये उर्दू से इंग्लिश पे कैसे जाएंगे? एक तो ये दुबई से मंगवाने का ये नुकसान बड़ा होता है। ओए हाय। अच्छा अब यहाँ पे सर ये सिर्फ 2 के साथ मसला कर रहा, 3 के साथ मसला नहीं कर रहा। 3 पे तो वो 90 डिग्री का वो रोटेट ही हो रहा है। नहीं ये तो मैं तो पहले इसकी बात कर रहा हूँ। ये जो अरबी रस्म الخط आ गया, ये पागल कहाँ से आ गया है रस्म الخط? सर आप जहाँ पे कीबोर्ड में ABC लिखा है उस पर क्लिक करें एक बार। ABC कहीं नहीं लिखा हुआ।
इधर देखें एफ ऑफ एक्स के बगल अरबिक आ गया होगा ना, तो उस साइड पे किसी वो बस ऐसे ही दबाना है आपको फिर। नहीं ये स्क्रीन जहाँ शेयर हो रही इसमें दिख रहा है। अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। हाँ ये ऊपर से टॉप लाइन पे एबीसी है ना सर, देखें जहाँ 1 2 3 लिखा है, एफ ऑफ एक्स लिखा है, एबीसी लिखा है, आगे एबीसी है कीबोर्ड में नीचे, एबीसी को क्लिक करें। एबीसी पर क्लिक करें सर। एबीसी कहीं नहीं लिखा हुआ सर, हमें नजर आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। मुझे एबीसी नजर आ रहा है। अच्छा आपको नजर आ रहा है, ये जो है जी ये हाँ जी आ गया। हाँ तो अब यहाँ पे मैं 2 लिख दूं, फिर 2 वही हो गया, और 1 2 3 कर देता हूँ। लो जी फिर वही 2 आ गया। ये 2 सर, ये जो 3 डॉट्स सर, ये जो 3 डॉट्स बने इन पे क्लिक करें एक बार, जो वही ए बी सी जहाँ लिखा था उसी के आगे लिखा है, डिवीजन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के ऊपर नीचे कीबोर्ड पर यहाँ पे जी सर, और इधर राइट साइड यहाँ जी सर, और राइट साइड ये जो 3 डॉट बने हैं और आगे हैं जी, ये अच्छा सर ये नहीं है, ये तो जेब्रा का पॉइंट है सर। सेटिंग पे जाके आप अपना कीबोर्ड चेंज कर सकते हैं यार। सेटिंग पे जाके मैं कीबोर्ड चेंज करूं, ये यहां से चेंज नहीं हो सकता एबीसी पे सर? यहां पे आपका कीबोर्ड नजर नहीं आ रहा है अभी हम लोगों को, यहां से अब इसको दोबारा क्लिक करें एबीसी को सर। हां ये जो नीचे एबीसी आ गया ना, इसको क्लिक करें नीचे जाए, बिल्कुल बॉटम लाइन पे। हाँ इसको जरा क्लिक करें, अब आ गया ऊपर एबीसी। हाँ 1 2 3 तो नहीं आया ना, वो 1 2 3 1 2 3 को क्लिक करने। अच्छा यहाँ पर ओके मैं दोबारा से टाइप कर देता हूँ। तो डबल क्लिक करें तो सामने सब वो से आ जाएगा सब फॉर्मूला बार ना। अच्छा मैं यहाँ से करता हूँ 2, लो जी 2 आ गया। 2t और साइन 3 cos t, ठीक है जी, ये तो वही आ गया। साइन के साथ करेंगे तो यही आएगा, कॉस के साथ चेंज करने से तो कुछ डिफरेंट आएगा, साइन के साथ करने से यही आ रहा है। अच्छा ठीक है ओके, तो मुझे यहाँ पे मैं पहले 3 करूँ, ठीक है? 3 से तो सर 3 पे सेम काम करता है, वो बेसिकली जो है वो इवन ऑड नंबर पे सेम काम करता है, दोनों पे इवन पे नहीं करता, इवन के साथ इसका कोई सीन है। ऑड पे तो टी हो गया, और यहाँ पे 2t करना था ना अब हमने, यहाँ पे सर 3t करेंगे तो फिर तो वो सर्कल बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे 3t और दूसरे को अगर 1t करेंगे तो ये 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा। यहाँ पे मैं अगर 2t कर दूं सर, करें क्या बनता है ये? अच्छा नहीं मैं उल्टा करना चाह रहा था ना, मैं इसको उधर मैं क्या करना चाह रहा, किधर किधर 2 और एक यहां पे 2 साइन पे 2 कर लें और कॉस पे 3 कर लें। नहीं मैं एक पे तो 1 करना चाह रहा हूँ ना, फिर इसको कर ले मन साइन टी को, साइन टी को 1 कर दे। हां जी सर, साइन टी को 1 करेंगे तो ये वो हाइपरबोला बन जाएगा, ये मैं कर देता हूँ 1, ये 1t बल्कि 1t बन गया। वो क्या मतलब हाइपरबोला बन गया, और ये 2t ये ऑलरेडी 2t है ऑलरेडी,
यही बन रहा था ना हाइपरबोला टाइप कुछ, इससे हम पैराबोला भी बना सकते थे थोड़ा सा चेंज करने से, तो सर बन सकता है ना। लेकिन ये सही है या गलत है, सवाल ये है। सही है सर, है तो सही देख सकते हैं हम। तो तुम पहले कुछ कह रहे थे, अब कुछ कह रहे हो, क्या तरीका है? कोई तुम्हारा दीन मजहब है? नो सर, मैं सेकुलर टाइप का बंदा हूँ, रोज मजहब चेंज कर सकता सेकुलर का ये मतलब नहीं होता बस वही ठीक है, कभी ईसाई होता है कभी मुसलमान, ये नहीं होता मतलब सेकुलर का। ये तय क्यों होना चाहिए 2 + 2 = 4 बस 3 sin 1t एंड 3 cos 2t। अच्छा अगर मैं यहाँ पे cos की जगह sin लिख दूं फिर से साइन तो दो नहीं फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों साइन थी, एक्स भी उसका साइन और वाई भी साइन बनेगा फिर तो उधर अंतर फिर आ गई अरबी अरबी कह रही अरबी ये साइन टूटी और ये कॉस और ये सब ठीक है सर, ये बिल्कुल जरूर रोटेट हो जाएगा करें अप्लाई। हाँ जी अब बोलो जी। हाँ जी अब इधर को आ जाना था, ये अब 90 डिग्री रोटेट कर गया है ना जी? हाँ जी अब कैसे कर गया रोटेट? लेकिन साहब वो सवाल तो उधर वाई और वाई को एक्स कर दिया ना। अच्छा सर अगर आप साइन को टी रहने दें और कॉस को टू टी कर दें तो हाइपरबोला फिर से बन जाएगा? यस करना चाहिए। क्या मतलब साइन को सर सिर्फ 1t रहने दें और कॉस को 2t करें एक बार? साइन को टी रहने दें जी जी जी। अच्छा और इसको 2t कर दें सर, देखो आपने बोला बन जाएगा, इसको 2 कर दें जी सर। हाँ जी ये कैसे हो गया? ताहिर साहब बताएंगे सर। यार ताहिर साहब ने सारी गड़बड़ किया, ये इसे ना शुरू करते हैं उधर से, ये किधर से ड्रा होना शुरू हुआ जी? तो वो है ये लाइन जो है वो बेसिकली एक्स तो 0 पे था। हाँ जी सर इस एम को थोड़ा 0 पे लेके जाए ना, एम को एम पता चले। हाँ एम इधर से स्टार्ट सर, इधर रहने दें बस थोड़ी सी, ये देखते हैं क्या हुआ है। एम जो है वो ब्लू लाइन 3 को शो कर रही है, तो वो जब 3 पे थी तो ये नीचे 0 पे थी, तो अब वो लाइन आहिस्ता से नीचे आ रही है और ये बड़ी स्पीड से ऊपर चली गई है। और लेकिन इससे आगे इसने क्यों नहीं ड्रा किया, जब ये मैक्सिमम पे गया तो उससे नीचे नहीं आया, उससे वापस उसी पे आ जाता है ये। हाँ ये वापस उसी पे वापस आता है, ठीक है वो 3 पे आ गया, वो 0 पे आ गया। ये -3 से जब मैं आगे ले जाऊंगा तो ये इसी से वापस आ जाएगा? नहीं वो तो वैल्यू वो तो उसकी वैल्यू वो होगी ना, दोबारा वो उसी वैल्यू पे आ गया। अच्छा जिस बार उधर से आ गया, लेकिन बीच में ड्रा भी नहीं किया, इधर से आगे नहीं किया, बीच में इसने ड्रा नहीं किया ये वाला पार्ट। ड्रा किया है वो वापस उसी पे आया है। नो सर वो देखे ना वो 0 पे लेके जाए इसको ब्लू लाइन को, इधर ये देखें इधर ब्रेक लगाएं। हाँ जी
अभी अभी ये अभी जो है ना अभी ये नहीं ड्रा करेगा, अभी जो देखे ना दोनों एक ही जगह पे हैं। मैं जब मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ, नीचे लेके जाता हूँ तो ये इसकी एक्स पार्ट जो है, एक्स पार्ट बढ़ता है ना, इसका जो साइन माइनस थ्री, ये माइनस थ्री कैसे हो गया है? ये माइनस थ्री तो कहीं से भी नहीं होना चाहिए था इसे। और यहां पे जाके ये यहां पे आया हुआ है इस वक्त, ठीक है ना, ये यहां पे आया हुआ है इस वक्त, ये वापस चलता हुआ आया है, यहां से चलते हैं तो ये वापस आता है चलता हुआ, और ये यहां पे आके फिर दोबारा से आगे जाता है। ये देखें जरा, हाँ जी, ये वासिल साहब देखें, मैथमेटिक्स इसी तरह डिस्कवर किया जाता है कि आपको कुछ पता नहीं होता, आप एक्सपेरिमेंट करते हैं और एक्सपेरिमेंट से सीखते हैं। आपने कभी मैथमेटिक्स इस तरह से किया है? नहीं सर, इस तरह से तो कभी नहीं किया। तो इसमें अनसर्टेनिटीज होती हैं, इसमें ये नहीं होता कि आप किताब के आखिर के एक्सरसाइज में से एक सवाल निकालें और उसका जवाब निकालें और फिर आखिर में देखें जवाब ठीक आ गया, हाँ भाई ठीक आ गया, बस बात खत्म हो गई। ऐसे नहीं होता मैथमेटिक्स। आपको मुस्तकिल सोचना पड़ता है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है जी? ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा जी? और ताहिर साहब जैसे लोग जो हैं बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, वो आपको कंफ्यूज भी करते हैं और मजे भी लेते हैं जी। तो अब आप ये खुद से सोचें। अच्छा, मैंने आप सब लोगों से कहा था आपने कंफ्यूजन लिख के लाने हैं, आप कंफ्यूजन लिख के नहीं लाए सर? मैंने देखा था सर, सर पहली बात तो वो वही चीज सर, जो एक्सेलरेशन किधर और हो रहा है और सर डिस्प्लेसमेंट कहीं और है, वेलोसिटी का डायरेक्शन दूसरा है, उसमें बड़ा कंफ्यूज था। मुझे वो अगली टर्म में मुझे वो ड्रॉ करके दिखाए ना, मुझे सवाल के साथ जियो जबरा के साथ सवाल भी लिख कर लाएं, जियो जबरा की स्क्रीन पे दिखाएं कि जियो जबरा की स्क्रीन पे ये कुछ हो रहा है, हाँ, और होना ये चाहिए, तो फिर मुझे पता चलेगा ना, इस तरह हवा में तो बात नहीं हो सकती जी सर। ठीक है ना, अच्छा यहाँ पे टू टी है और यहाँ पे टी है। अच्छा यहाँ पे अगर हम टू टी और टी अगर हम यहाँ पे सर, हाँ जी सर, वो मेरे ना पिछले 15 मिनट से गेस्ट आए, अगर आप कहें तो मैं जरा देखूं उनको, जैसे ड्राइंग में बिठाया हुआ है उन्हें ड्राइंग रूम में बिठाया, उनसे के बाहर बैठ जाए जाके। मैंने भी उनको ये बताया, मैंने भी मेरे से कहा कि उनको बाजी बिजी है, क्लास ले रही है, थोड़ी देर वेट करें, तो फिर बता ले 10 मिनट उनको और वेट कराते हैं, शायद तब तक पी लेते हैं। एक तो ये बेपे ते जो आनी शुरू हो गई है ना, इससे मुझे बड़ी मुसीबत चढ़ती है सर। वो सेटिंग से जाके चेंज कर लें कीबोर्ड लेआउट, सेटिंग से। Yes, sir. अच्छा, settings. यहां पे अगर मैं कर देता हूँ वन टी, हाँ ये कैसे हो जाता है जी? अगर ये ऐसे हो जाता है तो उनको उल्टा करने से इस ये यही चीज बननी चाहिए, बस ये इन्वर्टेड होना चाहिए, है ना वासिल जी? सर बात तो वो ताहिर साहब सही कह रहे थे कि इसको उल्टा बस 90 डिग्री रोटेट हो जाना चाहिए जी सर।
ऐसा क्यों नहीं हो रहा सर? यही तो समझ नहीं आ रहा है। हाँ तो समझने की कोशिश करो ना यार। अच्छा जी, इसको क्या कहते क्या है, इसको कहते क्या है, आपको आपको पता है इसको कहते क्या है? बटरफ्लाई सर नजर आ रही है यार। बटरफ्लाई नहीं, इसको स्पाइरल नहीं नहीं इसका मैथमेटिक्स में खास नाम है। हिस्टोग्राम नहीं कहते इसको, क्या कहते हैं, साइन और कोसाइन को जब हम ड्रॉ करते हैं ना, तो जो शेप बनती है वो सर्कल भी बन सकती है, वो फिगर ऑफ एट भी बन सकती है, वो और फिगर्स भी बन सकती हैं। सवाल ये है वो कौन सी फिगर बनती है सर? लेमनी स्केट कहते हैं क्या? हाँ लेमनी स्केट, लेमनी स्किड जी सर। ये मेरी ये पेंसिल तो बंद चलना ही बंद हो गई है बिल्कुल। मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस सर। और ये आपको नजर आ रहा है कि पेंसिल लिख नहीं रही? यस सर। तो यार ये क्या कर रहे हैं, इसका ये तो बड़ा मसला हो गया सर। आप फिंगर से लिख रहे हैं अपनी? फिंगर से भी नहीं लिखा जा रहा?
वो फिंगर का कहना पड़ता है, फिंगर से मैं नहीं लिखना चाहता, पेंसिल से लिखना चाह रहा हूं मैं। सर कोई और सा स्केच सिलेक्ट करके देखें है? जी ये इसके बगल वाला जो ब्लू वाला है वो सिलेक्ट करके देखें। नहीं, the pencil is just as if there is no pencil is not connected. It's connected. Apple pencil नजर आ रहा है, लिखा हुआ है Apple pencil is connected. Green कर लेता हूँ मैं। ये तो इसको मेरे हाथ से उसको कर रही है। सर उसमें कोई बटन है क्या जो शायद दबा कर लिखना पड़ता हो? यार बटन में तो मेरे अंदर होगा शायद, इसके अंदर तो कोई नहीं है बटन। मेरा बटन तो मेरी वाइफ ने अभी तक डिस्कवर नहीं किया, तो तुमने पता नहीं कैसे डिस्कवर कर लिया। सर पेंसिल की बात कर रहा हूँ। अगर पता चल जाए तो मैं वो मेरा बटन किधर है जिससे मैं काम करना शुरू कर देता हूँ, मेरी वाइफ को बता देना, वो तुम्हारी शुक्र गुजार हो जाएंगी। चलो ये मैं बाद में करूंगा, तुम वो ये तो मसला हल करो ना इसका। अच्छा यहाँ पे हम एक और चीज भी करते हैं, cos t और cos t के अंदर हम कर देते हैं प्लस। चलो ये प्लस साइन किधर है, ये रहा प्लस साइन। प्लस के, चलो वो दूसरा ही के आ गया बीच में। ये एक अरबी ने तो मुझे बड़ा परेशान किया, पहले मुझे अरबों से बड़ी चिढ़ है। चलो फिर के आ गया, ये आना चाहिए यहां पे क्या। ओहो अब ठीक है। अब के का पॉइंटर नहीं बना है, वी डोंट हैव अ के पॉइंटर। नहीं ये मैं में रीसेट करना पड़ेगा। अच्छा भाई वो अपने पुराने सवालात जरा लिख के ले आना। हाँ जी सर, ठीक है जी जी। और इस सवाल का जवाब भी लिख कर लेके आना जो ये जो आज हमें कंफ्यूजन हुआ है। हाँ जी सर, ठीक है। तो आज कुछ समझ आई है या कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन हुआ है? नहीं सर, समझ तो काफी कुछ आया है। गालियां दे रहे हो गए अंदर से कि ये पागलों के अंदर में घुस गया हूँ। सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? और कैसी बातें कर रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, तुम्हारे दिल की बात कर रहा हूँ। सर ऐसा नहीं है, शर्मा शर्मी में कहते नहीं हो, वरना कह यही रहे होगे किन पागलों में घुस गया हूँ मैं। सर मुझे तो मजा आ रहा है, मैं तो इन्वॉल्व हो रहा हूँ उसमें, कहिए क्या बनना चाह रहा है। हाँ इन्वॉल्व हो रहे हो लेकिन आगे से तो गालियां ही दे रहे हो ना। नहीं सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा बड़ी मेहरबानी तुम्हारी भाई, तुम्हें तो सलाम करना, तुम्हें तो सलाम करना चाहिए।
ओके जी, खुदा हाफिज़। जी खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। थैंक यू सर।